Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. चीन का शंघाई दुनिया भर में हाईटेक प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। इस शहर में बड़े बड़े प्लांट्स में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी निर्माण होता है, जिनके बगैर दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स की रफ्तार थम जाएगी। ये तस्वीरें उस शंघाई शहर की हैं, जब कोरोना से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। शंघाई अब ऐसा सूना और उदास नजर आता है कि इस शहर के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद हैं। ये लोग काम पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर थम गया है। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को एकाएक ब्रेक लग गया है। कोरोना के बाद सामान्य होते हालात के बीच नवंबर 2021 में शंघाई से कंप्यूटर्स, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेलीफोन, कार और ऑटो पार्ट्स का करीब $10 अरब का निर्यात हुआ था। लेकिन अब चीन में जारी लॉकडाउन के बाद यहाँ से सप्लाई में भारी गिरावट आई है। इससे भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने चलने का संकट खड़ा हो गया है। पार्ट्स की कमी से प्रोडक्शन जारी रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शेनज़ेन और गुआंगझोउ चीन के दो और प्रोडक्शन पावर हाउस प्रांत हैं, जिनमें भी उत्पादन पर कई इलाकों में लॉकडाउन लगने से असर हुआ है। इन दोनों प्रांतों से दुनिया भर में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, केमिकल्स और फार्मा के कच्चे माल की सप्लाई की जाती है। यहां तक कि भारत का फार्मा सेक्टर भी 70% कच्चा माल चीन के इन्हीं दोनों प्रांतों से आयात करता है। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि शंघाई में रविवार को 26,000 से ज्यादा कोविड केस मिलने के बावजूद धीरे धीरे प्रतिबंधों को हटाना मजबूरी बन गया है, लेकिन अभी तक के लॉकडाउन से चीन में आर्थिक गतिविधियां 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यहां तक कि मार्च में कारों की बिक्री भी लुढ़क गई है। मार्च में चीन में महंगाई का भी अटैक हुआ है और सब्जियों के दाम 18% तक बढ़ गए। लेकिन लॉकडाउन के असर अभी और भयानक रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि चीन में धान, सोयाबीन और मकई की फसलों की बुआई भी नहीं हो पाई है। इससे इनके कीमतों में बड़ा इजाफा होने की आशंका है। आर्थिक हालातों में आई इस गिरावट से चीन के शेयर बाजार भी कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में चीन का सेंट्रल बैंक रेट कट का फैसला भी कर सकता है, जिसका सामना दुनिया नहीं करना चाहती।